घरेलू प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले छोटे बिजली के उपकरणों की मरम्मत और रख रखाव के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया सीखने जा रहे हैं। छोटे बिजली के उपकरणों की मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक उपकरण। छोटे बिजली के उपकरणों की मरम्मत के लिए इलेक्ट्रीशियन को हैंड टूल्स, बिजली उपकरण और कुछ विविध उपकरणों की आवश्यकता होती है। ये उपकरण काम को आसानी से पूरा करने में मदद करते हैं। कुछ उपकरण नीचे सूचीबद्ध हैं: मल्टीमीटर, सर्किट जांच के लिए, स्क्रू ड्राइवर उपकरण खोलने और कसने के लिए, स्पैनर सेट उपकरण खोलने और कसने के लिए, तार केबल वायर स्ट्रिपर, कॉम्बिनेशन प्लायर, टेस्ट लैंप, सुरक्षात्मक दस्ताने। अपने उपकरणों का सुरक्षित रूप से उपयोग कैसे करें और उनके जीवन को लंबा करें, यह सुनिश्चित करना अच्छा है कि आपके पास सभी उपकरण हैं। हालांकि अगर आप उनकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते हैं, तो आपको उन्हें लगातार बदलने के लिए हजारों खर्च करने होंगे। साथ ही जो उपकरण बेहतर स्थिति में वह सुरक्षित है, एक सुरक्षित कार्य वातावरण आवश्यक है, तो अपने उपकरणों को काम करने की स्थिति में रखने और लंबे समय तक चलने के लिए यहाँ कुछ युक्तियां और तरकीबें दी गई हैं। पहला, सुनिश्चित करें कि वे हर उपयोग के बाद सही ढंग से संग्रहित हैं। उन्हें बैग, बक्से में स्टोर करें या उन्हें दीवार पर लटका दें या एक समर्पित टूल शेल्फ बनाए। अपने औजारों को कभी भी इधर उधर पड़े रहने ना दें। एक पैक बोर्ड आपके छोटे टूल्स को स्टोर करने का एक शानदार तरीका है। दूसरा, सुनिश्चित करें कि भंडारण स्थान सूखा हो। ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर आपके उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उन्हें नमी से बचाने के लिए आवश्यक उपाय करें। जंग लगे औजारों से बुरा कुछ नहीं है। तीसरा, जब भी आप दिन का काम पूरा कर लें, तो अपने टूल्स को स्टोर करने से पहले उन्हें साफ कर लें। किसी भी अतिरिक्त निर्मित ग्रीस को हटाने के लिए एक साफ कपड़े का प्रयोग करें। चौथा, आवश्यकता पड़ने पर अपने उपकरणों की मरम्मत करें। प्रत्येक कार्य के बाद अपने उपकरणों की जांच करें और किसी भी चीज को ठीक करने के लिए तत्काल उपाय करें जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। यदि उपकरण पूरी तरह से खराब हो गया है, तो उसे तुरंत बदल दें। पांचवा, आपको जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है, वे काफी हद तक इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप किस प्रकार के कार्य करते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके पास कार्य के लिए सही उपकरण है और आप उनकी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। यह व्यापार उद्योग में महत्वपूर्ण है। छोटे बिजली के उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव। साधारण इलेक्ट्रिक आयरन। चरण एक, आउटलेट सॉकेट से आयरन को अनप्लग करें। चरण दो, कॉर्ड और प्लग में किसी भी दृश्य क्षति की जांच करें। अगर तार टूटा हुआ है, तो उसे बदल दें। चरण तीन, ढीले कनेक्शन या कॉर्ड के क्षतिग्रस्त इंसुलेशन की जांच करें। आयरन का कॉर्ड खोलें, उपयुक्त स्क्रू ड्राइवरों का उपयोग करते हुए आयरन के पीछे का पेंच खोलें। कॉर्ड कवर हटा दें। आयरन में कॉर्ड के किसी भी ढीले कनेक्शन की जांच करें और उपयुक्त स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करके ढीले कनेक्शन को कस लें। चरण चार, कॉर्ड टर्मिनल के दोनों सिरों आयरन से डिस्कनेक्ट करें। चरण पांच, कॉर्ड लें और इसे टेस्ट टर्मिनल की मदद से चेक करें। चरण छह, टेस्ट लैंप को सीरीज में कनेक्ट करें जो पहले से ही बना हुआ है। अब हम टेस्ट लैंप के दोनों टर्मिनल को टच करके चेक कर रहे हैं कि लैंप चमक रहा है या नहीं। हमने पाया कि यह चमक रहा है, मतलब सीरीज टेस्ट लैंप कनेक्शन क्रम में है। कॉर्ड की जांच करने के लिए एक एक करके फेस, न्यूट्रल, अर्थ वायर के दोनों टर्मिनलों की जांच करें। चरण सात, कॉर्ड को आयरन से डिस्कनेक्ट करें। एक परीक्षण लैंप लें और इसके एक टर्मिनल को कॉर्ड प्लग के फेस पॉइंट से और दूसरे टर्मिनल को कॉर्ड के दूसरे सिरे से कनेक्ट करें। सिंगल फेस सप्लाई की स्विच चालू करें। अगर टेस्ट लैंप चमकता है, तो फेस कॉर्ड वायर ठीक है। यदि परीक्षण लैंप नहीं चमकता है, तो फेस कॉर्ड वायर खराब है। चरण आठ, एक परीक्षण लैंप लें और इसके एक टर्मिनल को
कॉर्ड प्लग के न्यूट्रल पॉइंट से और दूसरे टर्मिनल को कॉर्ड के दूसरे सिरे से कनेक्ट करें। सिंगल फेज सप्लाई की स्विच चालू करें। अगर परीक्षण लैंप चमकता है तो न्यूट्रल कॉर्ड वायर ठीक है। यदि परीक्षण लैंप नहीं चमकता है तो कॉर्ड वायर खराब है। चरण 9, एक परीक्षण लैंप लें और इसके एक टर्मिनल को कॉर्ड प्लग के अर्थ पॉइंट से और दूसरे टर्मिनल को कॉर्ड के दूसरे सिरे से कनेक्ट करें। सिंगल फेज सप्लाई की स्विच चालू करें। अगर परीक्षण लैंप चमकता है तो अर्थ कॉर्ड वायर ठीक है। यदि परीक्षण लैंप नहीं चमकता है तो कॉर्ड वायर खराब है। हम अर्थ कॉर्ड परीक्षण में पाते हैं, परीक्षण लैंप नहीं चमकता है। अब हमें इस कॉर्ड को बदलने की जरूरत है। अब हम आयरन खोल रहे हैं और हीटिंग तत्व, थर्मोस्टैट, इंडिकेशन लैंप और अन्य विद्युत तत्वों की जांच करेंगे। चरण 1, हमने बिजली के आयरन को खोल दिया है। अब आप शीर्ष भाग देख रहे हैं जो वजन के उद्देश्य के लिए कच्चा लोहा का उपयोग किया जाता है। चरण 2, अब आप थर्मोस्टैट देख सकते हैं। इसका उपयोग वांछित तापमान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। थर्मोस्टैट के नीचे बायोमेटैलिक स्ट्रिप फिक्स होती है। यदि तापमान निर्धारित तापमान से बढ़ता है तो द्विधातु पट्टी झुक जाती है और बिजली की आपूर्ति बंद कर देती है। चरण 3, अब आप हीटिंग एलिमेंट देख रहे हैं। हीटिंग तत्व के टूटने, दोषपूर्ण होने की स्थिति में उसे बदलें। चरण 4, अब आप उस टर्मिनल को देख रहे हैं जहां फेस न्यूट्रल और अर्थ वायर वापस में जुड़ते हैं। चरण 5, हीटिंग तत्वों में किसी भी ढीले कनेक्शन या क्षतिग्रस्त इंसुलेशन की जांच करें। आयरन का हीटिंग एलिमेंट खोलें। उपयुक्त स्क्रू ड्राइवरों का उपयोग करते हुए हीटिंग एलिमेंट कवर निकालें। उपयुक्त स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करके इस्त्री में हीटिंग एलिमेंट के किसी भी ढीले कनेक्शन की जांच करें। एक उपयुक्त पेचकश का उपयोग करके ढीले कनेक्शनों को कस लें। सर्किट की जांच के लिए परीक्षण लैंप को श्रृंखला में हीटिंग एलिमेंट के साथ कनेक्ट करें। चरण 6, एक परीक्षण लैंप लें और उसके एक टर्मिनल को आयरन के हीटिंग एलिमेंट के न्यूट्रल पॉइंट से और दूसरे टर्मिनल को हीटिंग एलिमेंट के दूसरे छोर से जोड़ दें। सिंगल फेज सप्लाई की स्विच चालू करें। अगर परीक्षण लैंप चमकता है तो हीटिंग एलिमेंट ठीक है। यदि परीक्षण लैंप नहीं चलता है तो हीटिंग एलिमेंट दोषपूर्ण है। चरण 7, अब आप इंडिकेशन लैंप देख रहे हैं। श्रृंखला परीक्षण लैंप के साथ हम जांच करेंगे कि यह ठीक है या नहीं। परीक्षण लैंप के दोनों टर्मिनलों को जोड़ने से यह चमकने लगता है, मतलब ठीक है। चरण 8, उपयुक्त उपकरणों का उपयोग करके हीटिंग एलिमेंट और उसके कवर को ठीक करें। चरण 9, फिक्सिंग का काम पूरा होने के बाद निम्नलिखित की जांच करें। गर्मी की जांच करें, बॉडी अर्थ की जांच करें, छोटे उपकरणों में पाए जाने वाले पुर्जों के प्रकार। निम्न प्रकार के पुर्जे लाइन संचालित उपकरणों में पाए जाते हैं। फ्यूज या सर्किट ब्रेकर। फ्यूज या सर्किट ब्रेकर में 5 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। वह 1, करंट रेटिंग, 2, वोल्टेज रेटिंग, 3, एसी वर्सेस डीसी, 4, टाइम, 5, माउंटिंग। वह तो विशेषताओं के अनुसार हम फ्यूज या सर्किट ब्रेकर को बदल देंगे। लाइट बल्ब, इनकैंडेसेंट, फ्लोरोसेंट, नियॉन लाइट बल्ब और एलईडी। परीक्षण, दृश्य निरीक्षण से अक्सर पता चलता है। यदि यह स्पष्ट नहीं है तो एक ओम मीटर का उपयोग करें। अनंत प्रतिरोध का मतलब है कि बल्ब खराब है, दोष के अनुसार उस लैंप को बदल दें। छोटे इलेक्ट्रॉनिक घटक, प्रतिरोधक, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर आदि। उपकरणों में विभिन्न प्रकार के छोटे इलेक्ट्रॉनिक घटक पाए जा सकते हैं। परीक्षण के बाद यदि आवश्यक हो तो घटक जैसे प्रतिरोधों, कैपेसिटर, डायोड आदि को बदलें। ट्रांसफॉर्मर, कम वोल्टेज, उच्च वोल्टेज। एक ट्रांसफॉर्मर में एक लैमिनेटेड आयरन या फेराइट कोर और 2 या अधिक इंसुलेटेड वाइंडिंग होते हैं जो अक्सर सीधे जुड़े नहीं होते हैं।
करंट वाइंडिंग टर्न रेशियो के व्युत्क्रम से संबंधित है, इसलिए अपरिहार्य नुकसान के अलावा बिजली नहीं बदलती है। परीक्षण के बाद यदि आवश्यक हो ट्रांसफार्मर को बदलें या मरम्मत करें। पंखे और ब्लोअर, किसी विशेष उपकरण का उद्देश्य केवल ठंडा करने के लिए हवा को स्थानांतरित करना हो सकता है। पोर्टेबल और खिड़की के पंखे इस प्रकार के उपकरण के उदाहरण हैं। हालांकि कई उपकरणों में बिल्ट इन पंखे होते हैं जिन्हें आप मोटर या अन्य घूमने वाले घटकों के हिस्से के रूप में भी नहीं जानते होंगे। इसी तरह हमें छोटे उपकरणों के पुर्जों की जांच या निरीक्षण और परीक्षण करने की आवश्यकता है। आवश्यकता के आधार पर छोटे उपकरणों के पुर्जों को बदलना या मरम्मत करना है।